नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आम के बारे में। दोस्तों, आम का सीज़न चल रहा है, आप देख रहे होंगे आपके चारों तरफ विभिन्न प्रजातियों के आम आपको मार्केट में देखने को मिल रहे होंगे। आम जो अपने आप में स्वाद की वजह से, अपने गुणों की वजह से फलों का राजा कहलाता है, ये आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। दोस्तों, अगर आप बात करें इससे मिलने वाले फायदों की, तो इसमें मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और आपकी बॉडी को फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में इससे प्राप्त होता है, जो आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं, आम को नेचुरल पकाने की बजाय कुछ लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में इसे बेहद खतरनाक केमिकल से पकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, FSSAI ने, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, वर्ष 2011 में एक कैल्शियम कार्बाइड नाम के एक केमिकल को प्रतिबंधित किया था। उसमें जुर्माना लगाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस खतरनाक केमिकल से फलों को पकाता है तो उस पर अर्थदंड लगाए जाने की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी मुनाफाखोरी के चक्कर में इस खतरनाक केमिकल से फलों को पकाते हैं। आम भी उन्हीं में से एक है जिसको केमिकल के द्वारा पकाया जाता है, उसको जल्दी मार्केट में बेचने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों, ये जो केमिकल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार, कैल्शियम कार्बाइड, ये अपने आप में एक एसिटिलीन नाम की गैस को स्राव करता है, उसका रिसाव होता है, जो गर्म होने की वजह से फलों को जल्दी पकाने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन ये उसको फलों को पकाने के बाद जो हमारी बॉडी पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, वो बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही खतरनाक स्थिति वाले हैं। यह दोस्तों ये बताया गया है, रिसर्च ने ये बताया है कि इसका सेवन करने से आपके डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, आपको बहुत सारे इश्यूज इससे हो सकते हैं। यदि इसके कुछ पार्टिकल्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं या बार बार सेवन करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में कैंसर भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, FSSAI ने, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, उसके द्वारा भी इस खतरनाक केमिकल को प्रतिबंधित किया है। तो दोस्तों, अब हम आम जनमानस के लिए समस्या रहती है कि हम कैसे पहचान करें कि कौन सा आम नेचुरल पका हुआ है, कौन सा आम केमिकल से पका हुआ है। इसके पहचानने के दोस्तों बहुत आसान तरीके हैं। अगर आप पाते हैं किसी भी आम का कलर उसके नेचुरल कलर से ज़्यादा चटकीला है, ज़्यादा चमकदार आपको लग रहा है, तो वो समझिएगा दोस्तों वो केमिकल से पकाया गया है। या किन्हीं आमों पर आपको स्पॉट दिखाई देते हैं, कहीं पर ग्रीन कलर के चकत्ते हैं, कहीं कहीं वो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे भी इसी बात का संकेत है कि इसको केमिकल के द्वारा पकाया गया है। दूसरा दोस्तों, आप आम की जो ऊपर की परत रहती है, उसका छिलका रहता है, उसको देख कर भी आसानी से पहचान पाएंगे कि ये केमिकल से पका हुआ है या नहीं। अगर आप उसकी स्क्रीन को गौर से देखेंगे, उसके छिलके को गौर से देखेंगे, तो उसमें आपको झुर्रियाँ दिखाई देंगी, कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई देंगे, वो इस बात का द्योतक है कि इस आम को केमिकल के द्वारा पकाया गया है। तो दोस्तों, ऐसे आम का आपको परचेज नहीं करना चाहिए आपको। और एक आपको दबाने से भी इसको महसूस कर सकते हैं कि उसको अगर दबाने से ज़्यादा गलावा नज़र आ रहा है, तो वो भी इस बात का संकेत है कि ये केमिकल के द्वारा ही पकाया गया है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे आम को आप छोड़ते हुए जो स्वाभाविक कलर वाले आम हैं, उनका आपको परचेज करना चाहिए, उनका आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ख़रीदने के बाद यदि आप आम घर पर लाए हैं, तो आप घर पर भी आसानी से इसका परीक्षण कर सकते हैं कि आम केमिकल के द्वारा पकाया गया है या नेचुरल ये पका हुआ है। दोस्तों, एक बाल्टी पानी लीजिएगा, उसमें कुछ आम छोड़िएगा, अगर आम ऊपर पानी में तैरते आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये इस बात का साफ संकेत है कि इसको केमिकल के द्वारा पकाया गया है। ये आपने इसको कहीं स्टोर किया है, कहीं आपने रखा है, अगर दो दिन में ये गलने लगता है, सड़ने लगता है, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आम को केमिकल के द्वारा पकाया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में आप इसका आसानी से पहचान करते हुए इसके सेवन से आप बच सकते हैं। दोस्तों, FSSAI ने ये एक चिंता व्यक्त की है कि कुछ लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में इस केमिकल का बेहद ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, इसके लिए आप भी सचेत रहिएगा, और हमेशा जब भी मार्केट से लाएँ, तो जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, जो इसके एक पहचान बताई है, उनके आधार पर आप आम का चयन करें, उनको ही खरीद कर लाएँ, अपने घर में आकर उसका परीक्षण करें, और किसी भी आम का सेवन करने से पहले आप उसको लगभग 1-2 घंटा पानी में भिगो कर रखिए, उसके बाद उसको अच्छे से साफ करके उसका सेवन करिए, ये आपके लिए सुरक्षित होगा। और दोस्तों, एक सलाह है आम के सेवन करने के बारे में भी, आम को जितनी मात्रा में आपको सेवन करना है उतना ही उनको भिगोइएगा, बाकी आम को आपको भिगोने से बचना चाहिए। जब आप सेवन करने जाएं, उसी समय उसका आपको भिगो कर सेवन करना
करना चाहिए। अगर आपने पहले से ही भिगो कर धुल कर आम को रखे हैं तो उसका भी टेस्ट चेंज हो सकता है, जो आपको स्वादहीन नजर आएगा। दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे आम के बारे में जो मैंने आप तक साझा करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए, इसी तरह के कंटेंट को जानने के लिए मेरे चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।